गाइस, तो आज हम एडिट करने वाले ये क्लिप जो तुमने देख ही ली होगी पहले से, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी है, ठीक है? तो मैं उसी पे बना रहा हूँ। चलो फिर बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर दें। 9:16 का रेशियो लेंगे और मैंने एक क्लिप दिए तो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। उसके बाद हम बीट सेट करेंगे। बीट सेट करना तो तुम्हें आता ही होगा, बस बीट पे क्लिक कर दो। ऑटो बीट पे सेट नहीं करना, जैसे मैं लगा रहा हूँ जहाँ जहाँ पे बीट बच रही है वहाँ पर आपने ना खुद बीट सेट करनी है, ठीक है? तो मैं लगा रहा हूँ तब तक, और ये वॉइस ओवर बाद में कर रहा हूँ, ठीक है? तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना वीडियो पे। तब तक मैं बीट सेट करता हूँ, तुम देखते रहो, तब तक मैं गाने बजाता हूँ बैकग्राउंड में। बीट सेट हो जाएगी तो मैं वापस से वॉइस ओवर करूँगा, ठीक है? तो जो अपनी बीट है वो पूरी सेट हो चुकी है, ठीक है? मैंने पूरी सेट कर दी है बीट। तुमको सोच रहे हो कि बीच में वाटरमार्क किस बंदे का है, तो जिस बंदे का हमने रील ली थी उस बंदे का वाटरमार्क है। मैं तुम्हें रिमूव करना भी सिखाऊंगा। अभी वाटरमार्क कैसे रिमूव करेंगे, क्रॉप कर देंगे, रिमूव हो जाएंगे, मैं आगे दिखा दूंगा तुम्हें सब, ठीक है? तो तुम देखो, अब हमें वो चीज़ हटानी है, जैसे कि कार बंद, ब्लैक कार है ना, इसको हमें रिमूव करनी है। तो हमें बस स्प्लिट कर देना है, ठीक है? और जो सकून रहने देना है, सकून रहने देना सिर्फ, और कार को स्प्लिट कर देना है, ब्लैक कार को अलग कर देना और रकून को रहने देना है। देखो जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे मैंने पहले ब्लैक कार को अलग कर दिया, रकून अलग कर दिया, जहाँ जहाँ पर रकून है वहाँ उसको रहने देना है। अब देखो तुम देखते रहो, बस तुम फॉलो करो, स्टेप अपने आप बन जाएगी वीडियो अच्छे तरीके से। मैं तुम्हें अच्छे तरीके से मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा, और सब्सक्राइब जरूर करना भाई लोगों, ठीक है? तब तक मैं गाने बजाता हूँ बैकग्राउंड में, वहाँ पे तुम देखते रहो। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं हमने ढंग से काटा है कि नहीं काटा है। देखो हमने सारे रकून को अलग कर दिया है, और जहाँ जहाँ पे हमें दिख रहा है तब भी ब्लैक ब्लैक कार, उसको भी हम थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर देंगे, ठीक है? कर दो ना अपने आप से सेट, ठीक है? मैंने ये क्लिप भी तुम्हें मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो तुम कोई और क्लिप भी यूज़ कर सकते हो और तुम डाउनलोड करके ला सकते हो, नहीं तो मैं तुम्हें ये क्लिप भी दे दूंगा पर्पल कार का, ठीक है? तो हमने एकदम परफेक्ट जगह पर फिट कर दिया पर्पल कार को ब्लैक कार की जगह, तो एकदम परफेक्ट जगह पर बजा मैंने तुम्हें अभी दिखाया अभी, ठीक है? और जहाँ जहाँ अभी ब्लैक कार दिखेगी ना तुम उसको ट्रिम कर देना, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे दिख रहा है मुझे ब्लैक कार, मैं उसको ट्रिम करता हूँ थोड़ा थोड़ा, और डॉट पर ले आ रहा हूँ बीट पे, ठीक है? ऐसे सेट कर देना, तुम एडजस्ट कर देना जैसे मैं कर रहा हूँ। तुम देखो मेरी वीडियो को, तुम्हें फायदा हो जाएगा ना, तुम एडजस्ट करते रहना क्लिपों को, तुम्हें अपने आप ढंग से आ जाएगा। जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे तुम्हारी बन जाएगी, तुम बस वीडियो देखो ढंग से, और जैसे मैंने तुम्हें क्लिप दिखाई थी ना शुरुआत में वैसी की वैसी बनेगी, ठीक है? प्रॉपर। तो मैं तब तक बैकग्राउंड में गाने लगा रहा हूँ, और मैं फास्ट तब तक जल्दी जल्दी करता हूँ ऐसे काम, ठीक है? हम रकून के आगे वो पर्पल कार सेट कर देंगे, जहाँ पे पहले ब्लैक कार थी वहाँ पे पर्पल कार सेट कर रहे हैं हम, ठीक है? सारी कार को एडजस्ट कर देना, और कहीं कहीं पर्पल ब्लैक कार दिखेगी ना उसको ट्रिम कर देना, ठीक है? अब हम लगाएंगे मिक्स। मिक्स कहाँ पे लगाएंगे हम? बीच में रकून और इसके पर्पल कार के। तो मैं लगाऊंगा मिक्स, ठीक है? प्लस लगाएंगे हम पल्स, पल्स मतलब लगा दिया हमने पल्स। अब एक इफेक्ट लगाएंगे, देखो लेंस पे जाना है, लेंस पे जाने के स्टार लाइट फ्लैश लगाना है, ठीक है? और उसको तीन जगह पे
फिट करना है कार के, जहाँ पर तीन कार लगातार आई थी ना वहाँ पर फिट करना है, उसके एडजस्ट कर देना है, फिल्टर हटाना है, पर फिल्टर जीरो कर देना है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर लगाया, ये तीन कार लगातार दिखेगी ना तुम्हें, पर्पल कार तीन दिखेगी यहाँ, मैंने तीन कार लगाई ना लगातार पर्पल खाली, वहाँ पर एडजस्ट करके लगा देना है, बस इसी जगह पर लगाना है और कहीं पर नहीं लगाना, ठीक है। अब तुम इसको अपनी जगह से एडजस्ट कर सकते हो, जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ वैसे देख लेना एक बार। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक वीडियो पक्का करना, ये तो वीडियो की रीच डाउन हो जाती है, और हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे आगे भी, ट्यूटोरियल्स और गाइड मोशन के XMLs, ठीक है। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को नहीं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अब तुम देख लो मैंने क्या क्या ट्रांजेक्शन्स लगाए हैं, हर रखून के आगे आगे या पीछे पीछे सब जगह कहाँ लगाया है देख लेना। मैं फिर गाने बजा रहा हूँ, तब तक गुड बाय।